Hey everyone, welcome to Study IAS. Study IAS में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्प्रेरक के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने उत्प्रेरक बनाया है, इसको समझेंगे कि यह है क्या। उत्प्रेरक का मेन मकसद है कि एनर्जी एफिशिएंसी भारतीय इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़ाई जा सके। भारत सरकार बहुत सारे काम कर रही है जिससे कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी के आरंभ और फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, और अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो आपको 50% का ऑफ मिल सकता है। अनअकैडमी आपसे एक प्रॉमिस भी करती है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो मेंस का सारा खर्चा और आपका रहने का बाकी सारी चीज़ों का अनअकैडमी उठाएगी, और अगर इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करते हो और आपको मिल जाती है रैंक तो आपको सारे पैसे रिफंड किए जाएंगे। एंड यू कैन यूज द कोड AMSLIVE टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, यूज करना मत भूलना। मार्गदर्शक प्रोग्राम आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। सेम कोड आप यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रिपरेशंस को उड़ान देने के लिए। उत्प्रेरक है क्या? देखो भाई, उत्प्रेरक की फुल फॉर्म उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। देखो, मैंने हमेशा बोलता हूं नाम में पूरा काम छुपा होता है। इसका मेन मकसद है एडवांस्ड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहां पर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया जाएगा। इसको BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एस्टैब्लिश किया है बदरपुर नई दिल्ली के अंदर। वहां पर ऑलरेडी नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक सेंटर है, उसी के अंदर BEE ने उत्प्रेरक को एस्टैब्लिश किया है। उत्प्रेरक एक तरीके के एग्जीबिशन कम इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में काम करेगा, जहां पर जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं, उनको शोकेस किया जाएगा, उनके ऊपर रिसर्च की जाएंगी और बाकी लोगों को भी वहां से काफ़ी सारी लर्निंग मिल पाएंगी। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अलग अलग सेक्टर के अंदर जो भी हो रही हैं, जो भी नई नई डिस्कवरीज हैं, वो यहां पर आप लोगों के लिए शो की जाएंगी। सेंटर गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंट पॉलिसीज के ऊपर काम करें। एजुकेशन और रिसर्च को यहाँ पर लिंक किया गया है। एंड इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंटेंसिव ट्रेनिंग टू मोर देन 10,000 एनर्जी प्रोफेशनल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, और इसके साथ साथ जो भी बाकी पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी आगे आने वाले 5 सालों के अंदर। देखो, एडवांस टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, उनसे ही हम लोग क्लाइमेट चेंज के जितने टारगेट्स होंगे उनको अचीव कर पाएंगे, और जो हमारे न्यू इंडिया बनाने का टारगेट है बाई 2047 हम लोग उसको भी अचीव कर पाएंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया इनकी मदद से जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंदर कॉप नंबर 21 2015 के अंदर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हम लोगों ने डिसाइड किए थे उनको भी फुलफिल कर पाए, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी इन्हीं चीज़ों में मदद करेगी। I hope this topic, Utprerak, is clear to you. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you for joining. Take care.